सभी टीचर को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं, गणित के मुख्य कौशल भाग फोर तर्क के साथ सोचना। जब आप इस भाग को कर रहे होंगे तो आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे। सभी प्रश्न का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 0.4। गणित के मुख्य कौशल भाग फोर तर्क के साथ सोचना। पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से आएंगे। आपके अनुसार मैंने राहुल और गीत का उदाहरण पूरी कक्षा के साथ क्यों साझा किया होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ताकि बच्चे पैटर्न के अलग अलग आधार के बारे में सोचे व तर्क वितर्क करें। ऑप्शन नंबर टू, ताकि बाकी बच्चे राहुल ने जो गलती की उसे ना दोहराएं। ऑप्शन नंबर थर्ड, ताकि बच्चे पैटर्न के अलग अलग उदाहरण देख सकें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ताकि बच्चे पैटर्न के अलग अलग आधार के बारे में सोचे व तर्क वितर्क करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करें और सबमिट पर क्लिक करें। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं। कक्षा के उदाहरण में गीत और राहुल को एक दूसरे के पैटर्न पर काम करने के लिए भी कहा गया था। आपके हिसाब से बच्चे को एक दूसरे के पैटर्न पर काम करने को क्यों कहा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इससे बच्चे एक दूसरे के पैटर्न में गलतियां खोज पाएंगे। इससे आसानी से पैटर्न की अवधारणाओं को पढ़ाया जा सकेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड, इससे बच्चे अलग अलग तरह के पैटर्न का अवलोकन कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इससे बच्चे अलग अलग तरह के पैटर्न का अवलोकन कर पाएंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने यह है, आपके अनुसार मैंने बच्चे से किस तरह के सवाल पूछे थे? गीत, तुमने कैसे बनाया? गीत ने पैटर्न कैसे बनाया था? राहुल, तुमने इस पैटर्न को कैसे आगे बढ़ाया? क्या राहुल ने जिस तरीके से पैटर्न को आगे बढ़ाया वह गलत है? आपको क्या लगता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सवालों के जवाब हाँ या नहीं में ही दिया जा सकते थे। सवालों को अलग अलग जवाब हो सकते हैं। सवाल बच्चे को हल से ज़्यादा प्रक्रिया पर विचार करने का मौका दे रहे थे। सवाल बच्चे को समझने, अपने शब्दों में विचार वितर्क के बताने और अपने तर्क के साबित करने का मौका दे रहे थे। सवाल सिर्फ एक ही तरह का जवाब बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4 पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है, आपके अनुसार मैंने पैटर्न में समानता और असमानता खोजने जैसे सवाल क्यों पूछे होंगे? तो पहला ऑप्शन, ताकि बच्चे खुद पैटर्न के ढांचे पर विचार करके उनके समस्या नियम को खोज पाएं। ऑप्शन नंबर टू, ताकि बच्चे दोहराए जाने वाले पैटर्न और बढ़ते हुए पैटर्न में फर्क कर पाएं। ऑप्शन नंबर थ्री, ताकि बच्चे समझ पाएं कि पैटर्न में समानता खोजने से उनकी तर्क सोच बढ़ेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ताकि बच्चे खुद पैटर्न के ढांचे पर विचार करके उनके समस्या नियम को खोज पाएंगे। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो फिर सबमिट बटन पर ही क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है, यह अंतिम और आखिरी प्रश्न है। किसी अवधारणाओं से संबंधित दो गतिविधि दी गई हैं। हर जोड़े में उस गतिविधि पर क्लिक करें जो आपके हिसाब से तर्क सोच बढ़ाने में मदद करेगी। अवधारणाओं,
भाग गतिविधियां। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मानक कलन विधि सिखाना। ऑप्शन नंबर सेकंड अलग अलग चीज़ें देखकर उन्हें बताए गए बराबर समूह में बांटना और बांटने के आधार को साझा करना। अवधारणा गुना गतिविधियां दो। गुना की मानक कलन विधि सिखाना। गुना के मानक और खुद के सोच तरीके में तुलना करके कहना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो और ऑप्शन नंबर चार। गुना के मानक और खुद के सोच तरीके में तुलना करके करने को कहना। ऑप्शन नंबर दो और चार पर क्लिक करें और फिर सबमिट बटन पर भी क्लिक करें। तो यह मॉड्यूल आपका समाप्त हो जाएगा। अब आप अपने फ़ोन का बैक स्क्रीन पर क्लिक कर सकते हैं कोर्स से बाहर जाने के लिए। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।